राजधानी से देखेंगे, जहां पर रायपुर में अनीता सोनी ने पीएससी की परीक्षा में पहला रैंक प्राप्त किया है। अनीता ने नौकरी करते हुए पढ़ाई की और पहला रैंक प्राप्त किया है, जो काफी सराहनीय है। टॉपर अनीता सोनी से स्वराज एक्सप्रेस ने खास बातचीत की। सभी बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। आपने सोचा था कि आपकी बेटी टॉप कर लेगी इस तरह से, पहले रैंक में आ जाएगी, नौकरी कर रही थी उसके बाद भी? ये तो मेरे को कंफर्म था कि फर्स्ट टू टेन जो रैंक है उसमें ये जरूर आएगी। मुझे बहुत गर्व लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है, दिल से खुशी हो रही है। ऐसे मैं बखान नहीं करती अपनी खुशी के, इतना ज्यादा मेरे को खुशी हो रहा है, क्योंकि उसको पढ़ाई को देख के हम लोग को लगता था कि आएगी हमारी बेटी। ड्यूटी से आने के बाद वो पढ़ती थी बहुत। छत्तीसगढ़ में पीएससी के नतीजे घोषित हो चुके हैं और यहाँ पर जो पीएससी में पहला स्थान प्राप्त किया है अनीता सोनी, हम उनके पास पहुँचे हैं। तो सबसे पहले हम उनसे जानना चाहेंगे, आपको जब ये पता चला कि आपका पहला रैंक आया है तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा। मैं थोड़ा पहले, मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करना चाहिए, बट यस आई फील वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। ये आपने जो प्रयास किया है आपका पहला है या फिर इससे पहले भी आपने प्रयास किया है? नहीं, मैंने इससे पहले भी अटेम्प्ट दिए हुए हैं, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट। क्या कहना चाहेंगी बाकी लोगों को, और अपना सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहती हैं? मेरी सफलता का श्रेय किसी एक का नहीं है, बहुत लोगों ने मेरे पीछे मेहनत की है। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं, मेरे ऑफिस वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, एंड यस मेरे कोचिंग में भी मुझे बहुत गाइडेंस और बहुत सपोर्ट मिला है, तो इन सबका ये कम्बाइंड एफर्ट है। आपने जॉब करते करते पढ़ाई की है, तो आमतौर पर देखा जाता है कि नौकरी करते करते पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने कैसे मैनेज किया इन सब चीज़ों को? हाँ, मुझे टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू आता था, बट यस इसमें सब ने मेरा बहुत साथ दिया कि जब मैं पढ़ती थी तो मेरी फैमिली और सब ने बहुत ख्याल रखा कि मुझे डिस्ट्रैक्ट ना किया जाए, एंड मुझे जितना भी टाइम मिला मैंने अपना 100% डेडिकेशन के साथ पढ़ाई को दिया। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर था, क्योंकि ये कुछ दिनों की नहीं सालों की मेहनत है। आप बाकी स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगी जो नौकरी करते हैं और जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, अगर फैमिली और बाकी सब आपके सपोर्ट में हो तो ये काम भी आप कर सकते हैं। बस जितना भी टाइम दें ये जरूर ध्यान रखिए कि जो भी करें पूरी ईमानदारी से 100% डेडिकेशन के साथ करें, मेरे लिए ये मंत्र बहुत काम आया है। तो ये थी हमारी अनीता सोनी से खास बातचीत, जिन्होंने हमें सफलता का मूल मंत्र बताया कि जो छोटा सा टाइम भी आप अपने लिए निकालते हैं तो उसमें पूरी ईमानदारी से पूरे लगन के साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे तो सफलता एक दिन जरूर हाथ आएगी। रायपुर से रेखराम देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस। रायपुर में नौवीं की छात्रा